सारी दुनिया क्रिसमस ईव के जश्न में डूबी हुई है। कल क्रिसमस है, हम भी अपने दर्शकों को क्रिसमस की बधाइयां देते हैं, लेकिन क्रिसमस का असली मजा लूट रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, क्योंकि आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जेबें भर भर के पैसे लूट लिए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अंकन और अंशुल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप पूरे दिन आप दोनों ने मिनी ऑक्शन देखा है। सबसे पहले बात करते हैं बड़े हाइलाइट्स क्या हैं। अंशुल हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, इन्हीं से शुरू करते हैं। अंशुल, सरप्राइजेस क्या थे? मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था हैरी बुक, क्योंकि आईपीएल में अभी तक खेले नहीं है, एक अननोन कमोडिटी है। अभी पाकिस्तान में 3 सेंचुरी मार के आ रहे हैं, आई थिंक उस वजह से इतना सब टीमें उनके पीछे भागी हैं, तो 13.25 करोड़ रुपए उन्हें मिलना, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज। और वो ऑक्शन के दूसरे ही प्लेयर थे, तो ऑक्शन की शुरुआत में ही इतने पैसे खर्च देना, दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। अंकन, आपको क्या लगा आज का बड़ा सरप्राइज? मुझे तो यार सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि जिस तरीके से इंग्लिश खिलाड़ियों पर जो बोली लगी है ना, जो लुटे हैं, एक चेंज ऑफ थॉट आया है सारे क्रॉस फ्रेंचाइजेस में कि ऑलराउंडर्स पर पैसा खर्च करेंगे, जबकि अब ऑक्शन खत्म हो चुका है, इस साल का ऑक्शन, सारी टीमें रेडी हो गई हैं, यही स्क्वाड जो है वो दिखने वाला है। तो आप देखेंगे ना तो हर जगह ऑलराउंडर्स ही सबसे ऊपर हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हमारे प्लेयर हैं विवरान शर्मा है, वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं शायद, और नाम भी नहीं पता था, मतलब मुझे भी नहीं पता था, रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सैयद मुश्ताक अली में अच्छा परफॉर्म किया, उसका रिवॉर्ड मिला, और कैसे करोड़ों में, 2 करोड़ के ऊपर भी किए हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स ऑफकोर्स, बेन स्टोक्स को आप देखिए, सैम करन को देखिए, ये पता था हम सबको कि इन पर ऊंची बोली लगने वाली है। जो रूट 1 करोड़ उनको बेस प्राइस में खरीदा है, वो भी ऑक्शन के आखिर में, बिल्कुल जब चार प्लेयर पहले राउंड में अनसोल्ड गए थे, दूसरे एक्सेलरेटेड राउंड में भी अनसोल्ड गए थे, लेकिन आखिर में जब राजस्थान कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सिर्फ 3 या 4 स्लॉट भरने को रह गए थे, तब उन्हें खरीदा गया था बेस प्राइस पे, जो कि सिर्फ 1 करोड़। लेकिन मुकुल, मुझे एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लगी इस ऑक्शन में, वो ये था कि आपने इतने पैसे शुरुआत में जो लुटाए ना, जो हमारे साथी भी कह रहे थे कि यार ऐसा लग रहा था कि बहुत पैसे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजर्स के पास थे ही नहीं, आखिरी में बचे ही नहीं। आखिरी में तो खैर नहीं बचते, आप जब शॉपिंग कर खत्म कर लेते हैं। इस तरीके से स्टार्टिंग में बड़ी बिडिंग्स हुई, उसके बाद तो लग ही रहा था कि बचता ही नहीं। केकेआर जैसी फ्रेंचाइज जो सिर्फ 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास पैसे लेकर आई थी, एसआरएच एक तरफ 42 करोड़ रुपयों के साथ आई थी, तो बहुत ज्यादा अनइवन जो है ना वो पर्स लिमिट बचे हुए थे टीमों के। कुछ कुछ प्लेयर जो है, जैसे एमआई ने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, सीएसके ने कुछ फ्यूचर को देखते हुए अच्छे इन्वेस्टमेंट किए, पंजाब किंग्स ने भले ही सैम करन को बहुत पैसे देकर खरीदा। पंजाब किंग्स का ही जिक्र आया तो मैं उसी पे आता हूँ। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि सैम करन को, मतलब आईपीएल के अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बिडिंग में खरीदा गया, 18.5 करोड़ रुपए। अंशुल आप बताएं, सैम करन पे इतनी बड़ी बोली लगाने की क्या वजह हो सकती है? आई थिंक उनका जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस था, 13 विकेट लिए उन्होंने, इंग्लैंड की विनिंग टीम के मेंबर थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, तो उस वजह से आई थिंक उनके प्राइस को उस चीज़ ने पुश दिया है, बिकॉज पिछले साल वो आईपीएल का हिस्सा नहीं थे, और जब से वो इंग्लैंड टीम में इंजरी के बाद कमबैक किया है वाइट बॉल में, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, वो तीनों फेजेस में उन्होंने बॉलिंग से अपनी दिखाई है, और बैटिंग में नंबर 8 पे आके उन्होंने बड़े छक्के लगाए हैं, रन बनाए हैं तेज़ी से, तो ही इज़ अ T20 प्लेयर, और इस वजह से फ्रेंचाइजीज उनके पीछे भागी हैं। एक लाइन में उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं बता दूं, इस साल के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं T20 में, डेथ बॉलिंग रिलायबल है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, टॉप 7 या 8 में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और रन बना सकते हैं। अच्छा, सैम करन की जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे पंजाब किंग्स अभी तक वो प्लेऑफ में पहुंची है, अभी तक वो ट्रॉफी नहीं जीती है, जबकि सबसे पुरानी टीम्स में से एक है पंजाब, क्या लगता है सैम करन इस बारी कुछ मदद करेंगे उनकी प्लेऑफ से आगे बढ़ने में? मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अमूमन होता यही है, इस बात की गवाही हर कोई दे सकता है कि जो सबसे महंगे प्लेयर होते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस सबसे खस्ता होता है, और बहुत ज़्यादा
परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है ऐसे प्लेयर्स पर, क्योंकि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं हर मैच के, तो उस प्रेशर में कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम एक और प्लेयर की बात कर रहे थे ना, ब्रूक की बात कर रहे थे, हैरी ब्रूक की, तो आप देखोगे कि उनको सिर्फ इसलिए खरीदा गया है क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान में 3 शतक है। बेन स्टोक्स को देखोगे तो एक टेस्टेड प्लेयर है, ऑलरेडी उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एमएस धोनी गाइडेंस देंगे और काफ़ी अच्छा जो है ना वो चेन्नई का भी जो पूरी टीम का लेआउट हो रहा है वो बन रहा है। मोइन अली है उस टीम में, रविंद्र जडेजा है, ऑलराउंडर्स जितने भरे होंगे, बेन स्टोक्स आ गए हैं, पावर पैक गेम होगा और धोनी का दिमाग है उसके पीछे। और मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स को हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कप्तानी के तौर पर भी बेन स्टोक्स को देखा जाए। जडेजा का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था लेकिन बेन स्टोक्स को बनाया जा सकता है, फिलहाल टेस्ट कप्तान है इंग्लैंड के और जो रिजल्ट्स वो दे रहे हैं वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। फिनोमिनल है। हाँ। अच्छा, जैसे बिडिंग, बड़ी बिडिंग की ही बात हुई है इतिहास, आईपीएल इतिहास में अभी तक की, तो जो टॉप 3 बिडिंग है वो भी इस बार ही देखने को मिली। सैम करन बिके 18.5 करोड़ में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर 17.5 करोड़ में बिकी कैमरॉन ग्रीन, और तीसरे नंबर पर 16.25 करोड़ रुपए में बिकी हैं बेन स्टोक्स। तो यही बात करते हैं कि इतनी बड़ी बिडिंग्स इन तीनों खिलाड़ियों पर लगी है, क्या ये टीम्स जितनी फ्रेंचाइजी हैं पहले से माइंडसेट ये तैयार करके आए थे कि हमें ऐसे बड़े प्लेयर्स खरीदने हैं जो ऑलराउंडर हों, जो टीम को मजबूती दे, यूटिलिटी प्लेयर्स जिनकी हम जिक्र करते हैं। मिनी ऑक्शन का सबसे, मेगा ऑक्शन के कंपेरिजन में मिनी ऑक्शन का सबसे अद्भुत यही रहा है कि हमेशा एक प्लेयर या दो प्लेयर बहुत ज़्यादा बड़े जाते हैं, 15 करोड़ 16 करोड़, चाहे पैट कमिंस का उदाहरण ले लीजिए, क्रिस मॉरिस का एग्जांपल ले लीजिए 2021 में, अब सैम करन, बेन स्टोक्स को सबने ही बोला था कि ये जाएंगे, बट कैमरन ग्रीन का मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, बिकॉज उन्होंने 2 इनिंग्स खेली थी इंडिया में ओपनिंग करते हुए, तेज तरार पारियाँ खेली थी, बट 2 इनिंग्स के बलबूते पर मुंबई इंडियंस तैयार हो गई उन पर 17.5 करोड़ न्यौछावर करने के लिए, जिस बात से मैं थोड़ा ज्यादा आश्चर्यचकित था। हालांकि आकाश अंबानी ने ये कह दिया ऑक्शन के बाद कि हमने कैमरून ग्रीन पर 2-3 साल से नजरे जो है वो बनाकर रखे थे। हाँ, वो तो देखते ही है, टैलेंट स्काउट जो प्रोग्राम होता है ना मुकुंद, वो सबसे अच्छा इस वक्त पूरी दुनिया में किसी टीम का है तो वो मुंबई इंडियंस का है। मुंबई इंडियंस ने ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को ऐसे प्लेयर्स दिए हैं जिन्होंने पहले मुंबई की टीम में शामिल हुए हैं, उसके बाद अपने देश के लिए खेले हैं। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, डेवाल्ड ब्रेविस ले लीजिए आप, साउथ अफ्रीका के मार्को यैनसन को ले लीजिए, ये सब मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेले हैं, अपने देश के लिए बाद में खेले हैं, तो उनका जो टैलेंट एक्सप्लोर करने का जो तरीका है ना वो बेस्ट है। और इसके अलावा मुकुंद, इस ऑक्शन में कुछ इंडियन टैलेंट्स पर भी बहुत अच्छे पैसे गए, जिन एक की हम बात कर ही रहे थे जो जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर हैं हमारे। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो बेस प्राइस पर भी बहुत सारे प्लेयर गए, तो ये वो खिलाड़ी है जिनको अपना काम करना आता है लेकिन उनको सिर्फ अपना काम करना आता है जी, जिन पर पैसा लगा है वो ऑलराउंडर है। वो क्यों ऑलराउंडर है? क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा सवाल यही था अगला कि यूटिलिटी प्लेयर्स की बात सबसे ज्यादा की जाती है ऑक्शन में भी और जब गेम्स चल रही होती है उस दौरान भी, तो यूटिलिटी प्लेयर्स अब जो ऑक्शन में भी जो फ्रेंचाइजी आ रही है वो भी उन्हीं पे ज्यादा बोलियां लगा रही हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए यूटिलिटी प्लेयर का होना, कितना वो गेम चेंज कर देते हैं अपनी बॉलिंग से बैटिंग से, ये जरा हमारे दर्शकों को। आप इंग्लैंड को देख लो, T20 वर्ल्ड कप इस साल यूटिलिटी प्लेयर्स से जीते, पिछले बार गुजरात टाइटंस को देख लो, अच्छी गेंदबाजी और यूटिलिटी प्लेयर्स की वजह से जीते। तो जब आप एक T20 मैच देखते हो ना तो T20 मैच में आपके पास 11 प्लेयर में आपको सब कुछ कंबाइन कर चलना होता है, टेस्ट मैच में क्या होता है स्पेशलिस्ट बॉलर बैट्समैन सब होते हैं, लेकिन आप एक T20 में कोशिश करते हो कि अगर मान लो किसी एक गेंदबाज का दिन खराब है तो उसके बदले और कोई 4 ओवर डालने का बॉलर होना चाहिए, 3 ओवर डालने का बॉलर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर जो है यूटिलिटी प्लेयर्स का जो डिमांड है वो बढ़ता है और ऑलराउंडर्स अक्रॉस फॉर्मेट अक्रॉस ग्लोब जिस तरीके से ऊपर बढ़े हैं वो आप देखिए, चाहे वो 83 में इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना हो कपिल देव, उसके बाद हमारे पास एक बहुत लंबे समय तक कोई ऑलराउंडर नहीं था, हार्दिक पांड्या आए 4-5 मैच ही खेले तो अगला कपिल देव दिखने लगा, हार्दिक पांड्या की क्या इज्जत है, अगले हम बात कर रहे हैं कि वाइट बॉल कैप्टन बन सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यूटिलिटी प्लेयर जो है ना वो ना सिर्फ अब T20 में बल्कि वनडे में भी जो है उनका इम्पोर्टेंस अब बढ़ रहा है। तो ओवरऑल पैसे जो हैं वो आप आज के ऑक्शन हो या पिछले बार के ऑक्शन हो या 50 साल पुरानी क्रिकेट देख लो, यूटिलिटी प्लेयर जो है वो रूल करते हैं, डिमांड रही है। अच्छा अंशुल, आप दिन भर ऑक्शन में लाइव आप अपडेट्स कर रहे थे, आपके लाइव ब्लॉग चल रहे थे,
अच्छा कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके नाम को लेकर आपको ये सरप्राइज हुआ कि ये नहीं बिके या ये बहुत सस्ते में बिके? सबसे ज़्यादा सरप्राइज मैं कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके हुआ था, जैसे मोहम्मद नबी को किसी ने नहीं लिया, रासी वांडर डोसन जो साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं उनको उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा, इंडियन पेसर हैं वरुण एरॉन जो इंडिया भी खेल चुके हैं वो भी नहीं बिके। बट दूसरी तरफ मैं खुश भी था कि हमारे काफ़ी सीनियर प्लेयर्स जैसे अमित मिश्रा, ईशान शर्मा, मोहित शर्मा, पीयूष चावला, चारों को फ्रेंचाइजीज ने खरीदा। तो ये जिस वही कहते हैं कि एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ दुख भी है। बट और एक पॉइंट मैं अंगद का लेना चाहूँगा जिन्होंने यूटिलिटी प्लेयर्स की बात की, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पास 20 करोड़ के आसपास का बजट था, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैमरन ग्रीन और बेन स्टोक्स को वो खरीद पाएंगे। लेकिन इस साल के पहले केरन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्तंभ रहे हैं वो अब से आईपीएल का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो एक तरह से दोनों टीमों ने, मुंबई ने कैमरन ग्रीन में और चेन्नई ने बेन स्टोक्स में उनके रिप्लेसमेंट बेहतर रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढ लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि सैम करन जो है उसको उनको चेन्नई लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, बजट ऊपर चला गया उनका तो वो नहीं ले पाए। लेकिन उन्हीं के बदले अगर आप देखो ना तो बेन स्टोक्स को लिया है। जी हाँ, ड्वेन ब्रावो को आप मिस करोगे क्योंकि ड्वेन ब्रावो ऐसे खिलाड़ी थे, धोनी को जब विकेट चाहिए होता था ड्वेन ब्रावो आते थे, जब धोनी को मैदान पर फायरवर्क चाहिए होता था ड्वेन ब्रावो बल्लेबाजी करने जाते थे, तो उस तरीके के प्लेयर थे। बेन स्टोक्स भी वैसे ही प्लेयर है, कुछ प्लेयर कम हुए हैं चेन्नई के, लेकिन जो ओवरऑल लेआउट दिख रहा है मुझे चेन्नई का बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप दोनों से भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ऑक्शन खत्म हो चुके हैं, लीग इंडिया की है, पैसे इंग्लैंड वालों को सबसे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन क्या लगता है सबसे अच्छी टीम किसकी बनी है? मैं थोड़ा यहाँ पे बायस हो जाऊंगा क्योंकि मैं चेन्नई का फैन हूँ। बेन स्टोक्स अभी आए हैं और मुझे जो लगता है कि ना, जैसे बेन स्टोक्स हैं, रविंद्र जडेजा और मोइन अली, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कई सारे ऐसे जो फैन के जो पेजेस होते हैं वो भी ये पोस्ट शेयर कर रहे थे कि ये ट्रायो एक बना है बहुत मजबूत सीएसके का। तो मुझे लगता है इस बारी सीएसके का पलरा बहुत ज़्यादा भारी है। आप बताएं। मैं दिल्ली का फैन रहा हूँ बट अगर मैं अनबायस्ड होके मैं देखूँ तो आई थिंक गुजरात टाइटन्स ने बहुत अच्छी गेम खेली ऑक्शन में, चैंपियंस रहे हैं 2022 के और उन्होंने जिसे कहते हैं स्टील डील्स, केन विलियमसन बेस प्राइस पे, ओडीन स्मिथ बेस प्राइस पे, शिवम मावी और जॉश लिटल के लिए उन्होंने थोड़ा खर्च किया है बट दे वो यूटिलिटी प्लेयर्स रहे हैं। जॉश लिटल उनके लिए ओपनिंग बॉलिंग ओपनिंग भी करेंगे, वो डेथ में भी डालेंगे। शिवम मावी एक इंडियन पेसर मोहम्मद शमी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। तो आई थिंक गुजरात टाइटन्स ने अच्छी टीम को और बेहतर किया है। ठीक है, पिछले बार जो कमी थी शायद आप वो कह रहे हैं वो पूरी की है, बिल्कुल की है। लेकिन वही है कि गुजरात टाइटंस की भी अभी आप इस स्क्वाड को देखेंगे ना तो कुछ प्लेयर, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो आपके पास शुभमन गिल है बैटर में, साई सुदर्शन है, अभिनव सदरगनी है जिन्होंने पिछले बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डेविड मिलर है, केन विलियमसन है। केन विलियमसन को यहाँ पर मुझे तो मौका मिलते हुए नहीं दिख रहा है कि आप प्लेइंग 11 में किसकी जगह खिलाओगे, आप ओपन नहीं करवा सकते उनसे, फिर मिडिल ऑर्डर में भी वो खाएंगे। और हाल फिलहाल में केन विलियमसन का जैसा फॉर्म रहा है T20 में तो वो बहुत ज़्यादा डाइसी लगता है। और मुझे लगता है कि 2 करोड़ रुपये केन विलियमसन जैसे प्लेयर पर खर्च करना मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा ही खर्च हो गए। अगर ओवरऑल भी आप देखो तो 4.5 करोड़ रुपए गुजरात टाइटंस पर्स में से बचाकर ले गई है। हाँ, तो काफ़ी पैसे उन्होंने बचाए हैं। विक्रम सोलंकी जो है ना, जो उनके डायरेक्टर हैं, जो इसके पहले इंग्लैंड की जो सरे के लिए वो क्रिकेट डायरेक्टर थे, कोच बने, उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। और पिछले सीजन के बाद जब ऑक्शन के बाद में उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें तो प्लेयर्स पर बस भरोसा जताना है, उसके बाद उन्हें खेलना है, तो हम बस भरोसा जताते हैं उसके बाद वो खेलते हैं। और मुझे वो लग रहा है कि केन विलियमसन का जो रफ पैच चल रहा है ना वो पैच भी अब वही खत्म करेंगे। अच्छा, वीडियो को हम रैप करेंगे, उससे पहले मैं आखिरी सवाल ले लेता हूँ आप दोनों से कि आज का मिनी ऑक्शन को आप कैसे देखते हैं और इस मिनी ऑक्शन के बाद जो आने वाला सीजन है वो कैसा रहने वाला है टीम्स के लिहाज से? सबसे बड़ा पॉइंट जो इस ऑक्शन से निकल के आता है, मैं अंगद के पॉइंट को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि यूटिलिटी प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस था। आप लखनऊ सुपर जाइंट्स का स्क्वाड देखिए, वो उन्होंने डैनियल सैम्स, रोमारियो शेपर्ड, निकोलस पूरन के अलावा वो सिर्फ ऑलराउंडर्स पे गए हैं क्योंकि और उनके पास पहले से ही कायल मेयर्स हैं, तो ऑलराउंडर्स की तरफ हर टीम का फोकस रहा है क्योंकि
वो एक खिलाड़ी में दो चीजें, दो काम करके दे रहे हैं आपको, तो वो आपको चार ओवर भी करके देंगे, वो आपको रन बनाकर 10-20 बॉले खेल के अच्छे रन बनाकर भी देंगे। पंजाब किंग्स की बात हो रही थी, चाहे सब सारा फोकस और सारा लाइमलाइट सैम करन ले जाएंगे, बट एक उन्होंने एक अच्छी डील में सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर को लिया है 50 लाख में उसके उनके ब्रेस प्राइस पे। वो T20 वर्ल्ड कप में सब टीमों के खिलाफ उन्होंने 20-25 बॉलों में 40 रन भी बनाए हैं, दो दो विकेट भी लिए हैं। वो एक पूरी मात्रा में ऑलराउंडर हैं जो चार ओवर भी करके देंगे आपको, और एक मिडल ऑर्डर के शानदार ऑप्शन है। तो आई थिंक यूटिलिटी प्लेयर्स वाज द फोकस फॉर ऑल द फैंस। बिल्कुल बिल्कुल, यूटिलिटी प्लेयर्स फोकस थे और वो नजर भी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है सबसे खराब टीम एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाई है। एडन मार्करम को हो सकता है कप्तान बनाया, बात हो रही है टॉम मूडी का ऐसा बयान आ रहा है, देखते हैं, मयंक अग्रवाल भी है, लेकिन क्यों, मतलब ऐसी टीम क्यों बनाते हैं आप जिसको देख कर ही समझ में आता है कि कैसे परफॉर्म करेंगे आप? चेन्नई या फिर मुंबई जैसी बड़ी टीमों के सामने कैसे सरवाइव करोगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन T20 कभी भी मुकाबला जो है वो पलट जाता है, बहुत ही छोटा मैच होता है। मुकुंद, हमने देखा है कि आखिरी बॉल में, हाँ, संभावनाओं का खेल तो है और आखिरी बॉल में जो नतीजा है वो पलटता है। तो ओवरऑल ये ऑक्शन बहुत ही अच्छा था और जितने पैसे जितने प्लेयर्स को मिला ना वो अच्छा था, लेकिन मैं चाहता था कि और इंडियन प्लेयर्स पर और ज़्यादा पैसे फ्रेंचाइजर्स लुटाती तो अच्छा होता, लेकिन बट ये ग्लोबल क्रिकेट लीग है और यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पर, टैलेंट के बेस पर ही पैसे मिलते हैं, तो इसी वजह से इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स पर आज पैसे बरसे हैं। IPL मिनी ऑक्शन 2023 खत्म हो चुका है, हमने पूरी बात की, कौन बिका कौन नहीं बिका, हमने अपने अपने ओपिनियंस भी दिए। हमारे साथ अंशुल जुड़े, हमारे साथ अंकन जुड़े, मिनी ऑक्शन पे इनका पूरा ध्यान था, पूरे दिन इन्होंने लाइव ब्लॉगिंग की, ये भी अभी भी अपडेट्स चेक कर रहे हैं, आगे और भी जो अपडेट्स होंगे IPL से जुड़े हुए हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।